बेटे बेटे मुझे बता क्या हुआ बेटे। सम्राट अरे रामू और हीरा ओ काका अरे आगो यार जल्दी। हाँ काका क्या हुआ? अरे यार वो भोले का कन्या का खेत है ना, उसके पास जो खंडर है। अरे यार मैंने वहां पे एक लड़के को देखा, नहीं वो इतना डरावना की था। काका कहीं ऐसा तो नहीं, उसका ताल्लुक डैक्स और जो पिछले महीने मारा गया था। हाँ हो सकता है। क्यों काका? हेलो। अरे विधायक साहब का मर्डर हो गया क्या? विधायक साहब का मर्डर हो गया? आ जल्दी आ, अभी आ रहे हो। आसू क्या हुआ, क्यों है इतना घबराया हुआ? भैया हट जाओ मेरे रास्ते से, आज मत रोकना मुझको। बात तो बता आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है? विधायक साहब का मर्डर हो गया है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। ओ सो सैड, काफी गंभीर मामला है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू वहाँ मत जा मेरे भाई, वहाँ का माहौल बहुत खराब होगा। अरे यार भैया मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हर वक्त मुझे मेरे माहौल का सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हो, क्यों देखते हो नफरत की नजर से मुझे और विधायक साहब को? नफरत? नफरत नहीं तो क्या मोहब्बत करूँ उससे, जिसने तेरी आंखों के सामने बीच सड़क पे मुझे पीटा था और इतना जहर खोल दिया मेरे खिलाफ जो तू मुझे बचा भी नहीं सका। हाँ पिटे भी तो अपनी बेवकूफी की वजह से थे। बड़े अफसोस की बात है कि मेरे भाई को मैं ही गलत लग रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ नहीं जो गलत करता आ रहा है, जो मेरे खिलाफ तेरी जिंदगी में नफरत और खुदगर्जी का जहर घोलता आ रहा है, तुझे गुंडा बना रहा है, बेगुनाह और मासूमों का खून करवा रहा है तुझसे। मैं तुझे उसकी गंदगी से बाहर निकालने के लिए उससे भीख मांगने गया था, क्या यही मेरी गलती है? हाँ गलती थी तुम्हारी, क्यों गए थे उसके पास मेरी जिंदगी की भीख मांगने, जिस इंसान की वजह से मेरा घर चलता है, तुम तो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाए और मैं तरक्की कर रहा हूँ तो तुम्हें जलन हो रही है। वैसे ठीक हुआ जो वो मर गया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी तुम जैसों की बांसुरी। राहुल अगर मेरे और विधायक साहब के बारे में कुछ गलत बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बड़ा भाई है, और हाँ रही बात बांसुरी की तो अब जरूर बजेगी ये बांसुरी, छोड़ मैंने विधायक साहब के कातिल को, और हाँ आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, समझा? भाई जी लो इंस्पेक्टर का फोन है। हाँ इंस्पेक्टर, कुछ पता चला भैया के कातिल का? भाई जांच चल रही है। जांच? क्या जांच कर रहे हो तुम लोग? एक हफ्ता हो गया है भैया को मरे हुए और अभी तक तुम्हारी जांच चल रही है? एक बात कान खोल कर सुन ले इंस्पेक्टर, भाई मरा है मेरा। इतना हल्के में मत लेना, अगर सम्राट नहीं मिला ना तो खून की नदियां बहा दूंगा। और सुन, आज के बाद में जितना भी खून खराबा होगा उसका सबूत तुम मिटाओगे, और बात रही कार्यवाही की, वो हम करेंगे, वो भी अपने तरीके से, आकर अपनी फीस ले जाना। सम्राट 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 कौन है सम्राट और कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? मेरी बात गौर से सुनो, अपने लोगों को शहर के कोने कोने तक फैला दो, खून खराबा करो या मर जाओ,
मुझे हर हाल में सम्राट चाहिए, वो भी जिंदा, समझे तुम लोग? तुझे क्या इनविटेशन दिलवाऊं? सॉरी भाई। लगता है तुम अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर क्या बेहोद हरकत हो तुम्हारी? परेशान हो गया हूँ तुम्हारी इस बालक बुद्धि से। सर वो आपने तो कहा था कि केला मेरा फेवरेट फल है, जब भी मैं गुस्सा में होता हूँ केला खा लेता हूँ। ठीक है लाओ इधर। सर आपके नई टेंशन दे दी तो मैं कर लेंगे। इनकी टेंशन तो पता नहीं कब खत्म होगी। एक तो मर गया है, एक और रहा है अभी खून पीने को। कानून को तो पता ना क्या समझते हैं लोग। हाँ सर, अनपढ़ जो ठहरे अनपढ़ होता है पे वो। हाँ सर वही। कौन है सम्राट? मैं ना हूँ। देखो कह दूंगी तुम्हारे। ओए सम्राट तू है? तुमने चोरी चोरी भेजे तुमने चोरी चोरी भेजे। भाई मुन्ना कहाँ गया? ओए हिला मत, हिली मत नहीं यहाँ से, ठीक है ना? ये बैठ रही है, अब जा रहे हैं। पिछवाड़े पे लात नहीं मारनी चाहिए। अब गूंगा है क्या तेरी तो?